दोस्तों, तो मार्वल्स मूवी रिलीज होने में अभी कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में इस मूवी को लेकर कोई भी एक्साइटेड नहीं है। इस मूवी में कैप्टन मार्वल के साथ साथ मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल को भी दिखाया जाएगा और इस पूरी मूवी में ये तीनों आपस में स्विच करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। अभी इस मूवी से रिलेटेड एक फाइनल टीजर को रिलीज किया गया है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी इस मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी रहेगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए फैंस इसके लिए हल्का भी एक्साइटेड नहीं है। देखो, ये मूवी कैसी भी हो लेकिन इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो काफी इपिक होगा, जो कि आने वाले मूवीज को टीज करने वाला है, क्योंकि इससे लेकर अभी काफी सारे रूमर्स आने लगे हैं कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्समैन से रिलेटेड हमें कुछ देखने को मिल सकता है। हाँ, फाइनली एमसीयू में एक्समैन की एंट्री हो चुकी है जो कि हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किसी एक्समैन के कैरेक्टर को दिखाया जाए। देखो, इस मूवी में जो हमें मोनिका रैम्बो देखने को मिलेगी उसके क्या क्या पावर है ये तो अभी मार्वल ने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इस मूवी में हमें यही देखने को मिलेगा कि जो मोनिका रैम्बो है वो दूसरे डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकती है और वो ऐसे ही एक्समैन के यूनिवर्स में जाने वाली है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो एक्समैन के कैरेक्टर से मिले। द मार्वल्स मूवी लोकी सीजन 2 के बाद आने वाला है, तो लोकी के फिनाले में जो कुछ भी होगा वो हमें द मार्वल्स में भी देखने को मिल सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि द मार्वल्स में एवेंजर सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी से भी रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में यंग एवेंजर्स के बारे में भी दिखाया जाएगा और हो सकता है कि यहाँ पे केट बिशप का कैमियो हो। अगर तुम्हें यंग एवेंजर्स के बारे में नहीं पता तो इस टीम में मिस मार्वल, केट बिशप, अमेरिका चावेस, कैसी लैंग और भी कई सुपर हीरो रहने वाले हैं और इनके ऊपर हमें एक मूवी भी देखने को मिल सकता है, तो ये दिखाने के लिए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में केट बिशप मिस मार्वल से मिलने के लिए आएगी। तुम द मार्वल्स मूवी देखने वाले हो या नहीं ये कमेंट में जरूर बताना और तुम्हें क्या लगता है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें और क्या देखने को मिल सकते हैं ये कमेंट में जरूर बताना। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करता हूँ, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करो और अगर तुम इस चैनल पे गलती से भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।